वेलकम टू ट्रू शेयर बाजार दोस्तों, फिर से एक धमाकेदार स्टॉक के साथ एक धमाकेदार वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल को चेक करेंगे, फिर इसके बिजनेस के बारे में जानेंगे, फिर इसके शेयर प्राइस के टारगेट्स को जानेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि स्टॉक के अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप जब भी किसी स्टॉक का एनालिसिस करें तो उसके लास्ट के 3 से 4 क्वार्टर के सेल्स और प्रॉफिट को देखना बहुत ही ज़रूरी है। यानी उसके लास्ट 1 ईयर का रिकॉर्ड देख लीजिए कि कंपनी ने कितना सेल्स किया और कितना कमाया है। तो इससे आपको यह मालूम होगा कि कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से काम कर पाएगी और इस सेल्स और प्रॉफिट के डेटा से ही इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ROE हो, ROCE हो, PB रेशियो, PE रेशियो, सब कुछ इसी से बनता है। तो आप देख सकते हैं ये क्वार्टर बाय क्वार्टर का रिजल्ट है। सितंबर 2021 में कंपनी ने 4,000 करोड़ के आसपास का सेल्स किया था, जो कि लगातार बढ़ते हुए 5,230 करोड़ का सेल्स हो चुका है। स्लोली स्लोली इनके सेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। वहीं प्रॉफिट की बात करेंगे तो 594 करोड़ के प्रॉफिट है, जो कि हर क्वार्टर में बढ़ते हुए 950 करोड़ हो चुके हैं। आप खुद देखिए, हर क्वार्टर के अंदर इनका सेल्स भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़े हैं। एक सबसे बड़ा लॉजिक मैं दिखाने वाला हूँ, आप गौर से देखिएगा बिना स्किप किए वीडियो को। आप ये देखिए, इसके बाद आएगा टॉपिक इनका, जो ये हर एक साल का रिकॉर्ड है वो देखिए। मार्च 2020 में कंपनी ने 20,000 करोड़ के आसपास का सेल्स किया था, जो कि अगले ईयर 2021 में गिरावट आई। 19,900 करोड़ का इनका लगभग सेल्स रहा। फिर से इसके ईयरली सेल्स में गिरावट, 18,000 करोड़ के आसपास के सेल्स रहे, यानी 20,000 से 19,000, 19,000 से 18,000 करोड़ के सेल्स। फिर इसके बाद लास्ट ईयर में इनका जंप देखने को मिला हमें। आप देख सकते हैं 18,000 करोड़ के बाद 19,000 करोड़ के सेल्स, यानी लास्ट ईयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखेंगे प्रॉफिट, तो 20,000 करोड़ का सेल्स करने के बाद भी 12,000 करोड़ का लॉस इनको हुआ। ये मैं समझाना चाहता हूँ ऐसा क्यों हुआ, आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में मालूम होगा। और वहीं नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो 19,000 करोड़ का सेल्स, यानी सेल्स कम हो गया लेकिन फिर भी इनके प्रॉफिट 1,500 करोड़ गए। फिर अगले साल 18,000 करोड़ के सेल्स, यानी सेल्स कम हुआ फिर भी इनका प्रॉफिट 2,500 करोड़, यानी पिछली बार से भी इनका प्रॉफिट बढ़ा है। फिर उसके बाद देखेंगे तो 19,000 करोड़ का सेल्स और प्रॉफिट 3,245 करोड़ के। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों कि सेल्स गिरता जा रहा है लेकिन प्रॉफिट फिर भी बढ़ रहा है? इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ और डेटा लिया है। मार्च 2020 में कंपनी ने 20,000 करोड़ का सेल्स किया था। इसके पीछे जो खर्चा होता है इस सेल्स को जनरेट करने के लिए, इन्होंने 24,000 करोड़ का एक्सपेंस यानी खर्चा कर लिया, यानी इनकी सेल्स से ज़्यादा इन्होंने खर्चा किया, इस वजह से इनको काफ़ी लॉसेस हुआ। इंटरेस्ट 13,000 करोड़ का लगा, तो ये दोनों को आप जोड़ के और ये 20,000 करोड़ माइनस कर लेंगे तो 17,000 करोड़ का इनको लॉस हुआ, फाइनेंसिंग प्रॉफिट 17,000 करोड़ का लॉस है। लेकिन इनको अदर इनकम 4,600 करोड़ की हुई, इसी वजह से इनको जो आया नेट प्रॉफिट 12,000 करोड़ का रहा है। तो आप देखेंगे 12,000 करोड़ के लॉस हुआ, लेकिन लॉजिक ये है कि इन्होंने 20,000 की जगह 19,000 करोड़ का सेल्स किया है, फिर भी इनको जो है 3,245 करोड़ के प्रॉफिट है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप देखेंगे 19,000 करोड़ की सेल्स के लिए इन्होंने 10,000 करोड़ का खर्चा किया है, यानी आप देखेंगे 9,000 करोड़ रुपये इन्होंने खर्चों से बचा लिए। पिछली बार 20,000 करोड़ का सेल्स था और 24,000 करोड़ की खर्चे थे, यानी सेल्स से ज़्यादा खर्चे थे, और इस बार इनके सेल्स से भी आधे इन्होंने खर्चे किए हैं। इस वजह से इनको 583 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इन दोनों को जोड़ करके 19,000 करोड़ को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद अदर इनकम 4,000 करोड़ की, तो इन दोनों को जोड़ करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये लिखा हुआ PB टैक्स, 4,677 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। फिर इसमें से इन्होंने टैक्स भरा, टैक्स भरने के बाद 3,245 करोड़ के इनको शुद्ध मुनाफा हुआ। तो आप इन दोनों को भी देखेंगे तो यही मैटर है, सेल्स से इन्होंने खर्चों को कम कर लिया सेल्स को जनरेट करने के लिए, इसी वजह से जो है इनके हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है फ्यूचर में। इस आप अगर डीप एनालिसिस करेंगे तो आप एक राइट डिसीजन ले पाएंगे कि स्टॉक के अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आगे देखेंगे, ये लॉन्ग हिस्ट्री है। मार्च 2011 में 18,000 करोड़ के आसपास का सेल्स था, जो कि अभी करंट में 19,472 करोड़ का हो चुका है, यानी इनका जो सेल्स है लगभग पहले जितना ही है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1,564 करोड़ के पहले प्रॉफिट थे, अब 3,245 के हैं, यानी 2 गुना इनके प्रॉफिट में आपको जंप दिखाई दे रही है।
कर्जा पहले 2,32,000 करोड़ का कर्जा था, जो कि बढ़कर 3,35,000 करोड़ हुआ, लेकिन फिर से 2016 के बाद इन्होंने अपने कर्ज के दबाव को कम किया, जो कि 2,47,000 करोड़ के आसपास का कर्जा बना हुआ है। यानी आपको घबराने वाली बात नहीं है, यानी आप ये कर्जा देख करके घबराइए मत, क्योंकि सभी बैंक जो भी है वो RBI से पैसा लेते हैं ब्याज पर, और उसे कुछ और ब्याज बढ़ा करके मार्केट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो इनका काम यही है, गवर्नमेंट से लोन ले करके मार्केट में सर्व करना, इसीलिए सभी बैंकों के ऊपर कर्जा बना रहता है। अब बात करेंगे टोटल एसेट्स की, तो पहले 2,53,000 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़कर 3,02,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। यानी आप देखेंगे इनके कर्जे से ये 2,50,000 करोड़ का जो कर्जा है, इससे ज़्यादा तो इनके पास एसेट्स है, यानी इसको देखें तो कर्ज मुक्त आपको ये बैंक दिखाई देगा। अब रिजर्व की बात करेंगे तो पहले 13,000 करोड़ के रिजर्व थे, अब 31,000 करोड़ के रिजर्व है, यानी 2 से 2.5 गुना इनके रिजर्व में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इन्वेस्टमेंट पहले 68,000 करोड़ का था, मार्केट के अंदर इन्होंने इतना निवेश किया हुआ था, अब ये निवेश इन्होंने बढ़ा दिया है, 83,000 करोड़ का मार्केट के अंदर इनका निवेश है। स्टॉक का जो बुक वैल्यू है, रियल वैल्यू है, वो 39 रुपये के आसपास है। ROC 4% के आसपास, ROE 6% के आसपास, प्रॉफिट ग्रोथ 32% के आसपास है। जैसा कि आपने डीप एनालिसिस किया, इनके प्रॉफिट हर क्वार्टर में बढ़ते जा रहे हैं, तो 32% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ आपने देखी स्टेबल है लगभग, यानी ये -0.12% है, जो कि नेग्लिजिबल है। प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे पहले 94.72% की थी सितंबर 2022 में, अभी भी उतनी है, यानी प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी बेहतरीन है। और FIS का आप डेटा देखेंगे तो पहले 0.05% की हिस्सेदारी थी, अब इन्होंने कुछ पॉइंट बढ़ाया, आप देख सकते हैं 0.1 की जंप है, 0.06% की FIS की होल्डिंग हो चुकी है। DIS का पहले 0.15% की हिस्सेदारी थी, अब 0.17% की हिस्सेदारी है, यानी FIS ने भी बढ़ाया, DIS ने भी कुछ हिस्सेदारी बढ़ाई है, गवर्नमेंट का कॉन्स्टेंट है और पब्लिक के पास 5% की हिस्सेदारी है। अब बात करेंगे इनके टारगेट्स की, तो आप देख सकते हैं ब्रोकरेज फर्म जो टारगेट दे दिए, जी बिजनेस के जो पैनलिस्ट है और टेक्निकल एनालिस्ट है राकेश बंसल जी, इन्होंने बताया है कि IDBI बैंक का जो शेयर है वो चार्ट पे काफ़ी स्ट्रांग है, और ये जो है इन्होंने बोला है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, यानी जिन्होंने पहले से ही शेयर खरीदे हुए हैं, वो इसे होल्ड करें, और जब भी इसके अंदर करेक्शन आता है यानी गिरावट आती है, तो 50 से 52 रुपये के आसपास और एक्यूमुलेट करें, यानी और शेयर खरीदने की इन्होंने सलाह दी है। और इन्होंने कहा है कि IDBI बैंक का जो शेयर है वो 100 रुपये का लेवल भी क्रॉस करेगा, ऐसा इनका कहना है, जी बिजनेस के पैनलिस्ट और टेक्निकल एनालिस्ट राकेश बंसल जी का। ये जो सोर्स है आप देख सकते हैं GBiz.com से मैंने लिया है, यानी इस वेबसाइट के ऊपर ये पूरा जो है डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ये आर्टिकल काफ़ी बड़ा था, लेकिन मैंने उसका शॉर्ट एक जो है सेंटेंस वो ले लिया है। आप देखेंगे कंपनी करती क्या है, तो सभी लोग जानते हैं जितने भी बैंक हैं उनका काम क्या है, लोन प्रोवाइड करने का काम है, और छोटी मोटी और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्टॉक के अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं, तो इसके लिए मैं यही करना चाहूँगा, जो रिटेल इन्वेस्टर है जिनके पास पूंजी कम है 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 रुपये, तो वो इस स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि दोस्तों ये जो स्टॉक है ये स्पेकुलेशन की वजह से भगा है। स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई बैंकों के ऊपर कोई न्यूज़ दे दी और न्यूज़ अच्छी है, तो उस न्यूज़ बेसिस की वजह से स्टॉक भगने लगता है, और वो एक स्टॉक नहीं जितने भी सेक्टर गए, जैसे मान लो बैंकों के ऊपर बोला तो सारे बैंक भगने लगते हैं। और ऐसे ही इसके अंदर हुआ कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, इसका नाम आया है, तो इस वजह से स्टॉक में काफ़ी जंप लगा दिया है, ठीक है, एक तो इस वजह से भगा है। तो मैं ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ जो स्पेकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर इससे दूर रहें, और जिसके पास ज़्यादा पैसा है 20,00,000, 50,00,000, 1 करोड़, जो लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, पेशेंस है, तो वो लोग इसके अंदर बिल्कुल 50 रुपये के आसपास के लेवल में खरीदारी कर सकते हैं। अभी ये कोई भी न्यूज़ निकल के आएगी तो स्टॉक में फिर से जंप देखने को मिलेगा, लेकिन हमें ऐसे स्टॉक से दूर रहना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।